आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं क्रूसेड्स पे लेक्चर करने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म युद्ध, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में यह धर्म युद्ध हुआ यरूशलम या फिर जेरूसलम के लिए। क्रिश्चियंस चाहते थे कि जेरूसलम को वो ऑक्यूपाई करें, इतने सालों से वो मुस्लिम्स के पास था, और इसके लिए उन्होंने 1095 में, यानी कि आज से 1000 साल पहले लगभग उन्होंने क्रूसेड्स लॉन्च किया। एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा धर्म युद्ध जो आने वाले 200 सालों तक चला और बहुत जाने गई उसमें, बहुत लोग मारे गए। इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे ऐतिहासिक इवेंट है। तो क्रूसेड्स एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बड़ा ही लंबा टॉपिक है, बड़ा ही टफ टॉपिक है। तो इसीलिए मैंने समझा कि पहले आपको यरूशलम के बारे में बता दूं। वैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ ज्यूज, उस पर पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो पहले मैंने समझा कि पहले आपको यरूशलम के बारे में समझा दूं और उसके बाद मैं आपको क्रूसेड्स के बारे में समझाऊंगा। तो ये लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड है, क्रूसेड्स वाला लेक्चर जो है वो लंबा होगा। तो इसमें हम समझेंगे यरूशलम, ये क्यों इतना पवित्र है, क्या इंपॉर्टेंस है यरूशलम की, और क्यों इस्लाम के लिए ये तीसरा पवित्र स्थान है मक्का और मदीना के बाद, क्रिश्चियनिटी में सबसे पवित्र स्थान, और जुडाइज्म जो कि इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है। तीन इब्राहिमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, सबसे पवित्र स्थान उसके लिए। तो ऐसा क्या खास है ये देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम यरूशलम की बात करें तो इसराइल में है, द होली लैंड, लेवेंट, ये सारी चीजें, पैलेस्तीन इसको बोला जाता है, पैलेस्तीन तो खैर अब तो ये देखते हैं कि इसराइल में है, लेकिन इसराइल अभी तक इस पे आधिपत्य नहीं जमा पाया है। इसराइल कहता है कि हमारी कैपिटल जो है वो यरूशलम है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज को नहीं मानती है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो इसका स्टेटस नहीं है। ईस्ट में हम देखें तो यहां पे मुस्लिम्स रूल करते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स रहते हैं, रूल तो नहीं, मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है। वेस्ट में यहां पे ज्यूज रहते हैं और बीच में सारी रिलीजियस साइट्स हैं। ये आप देख सकते हैं ना, ये अल अक्सा मॉस्क, जहां से प्रॉफिट विद द पीस अपॉन हिम उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया। ये वेस्टर्न वेलिंग वॉल, जहां पे ज्यूज आके रोते हैं कि टेंपल को उनके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और ये डोम ऑफ द रॉक, ठीक है। तो ये टेंपल माउंट है, ये बीच में, वेस्ट में है मुस्लिम्स, ईस्ट में है मुस्लिम्स, वेस्ट में है ज्यूइश पॉपुलेशन, और बीच में ये सारी होली साइट्स हैं, ठीक है। और इसराइल जो है वो अक्सर ये करता है, ज्यूज जो है वो अक्सर यहां पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनको काफी फटकार भी मिलती है इसलिए, क्योंकि वो मानते हैं कि यरूशलम ही हमारा शहर है, यरूशलम ही हमारी कैपिटल है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानती। अभी अमेरिका ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने बोला कि यरूशलम, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था यरूशलम जो है वो इसराइल की कैपिटल है, और वहां पर अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर देंगे। अभी जो है तेल अवीव में सारी एम्बेसीज है, पूरी दुनिया की जो एम्बेसीज है वो तेल अवीव में, तो प्रैक्टिकली इसराइल की कैपिटल तेल अवीव है, लेकिन इसराइल कहता नहीं यरूशलम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे बता दूं कि यहां पे 158 चर्चेज है, गिरजाघर है, और 71 के करीब मस्जिद है, ठीक है, बहुत पवित्र स्थान है यरूशलम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ यरूशलम इसके बारे में हम देखेंगे। रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चल के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के कोर्सेज हमने तैयार किए हैं, शानदार कोर्सेज है, आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं ट्विटर पर भी आ गया हूं दोस्तों, ये रही मेरी आईडी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके बाद क्रूसेड्स मैं लेके आऊंगा। एक्चुअली क्रूसेड्स को समझाने के लिए ही मैं यरूशलम लेके आ रहा हूं, क्योंकि वहां पे यरूशलम के लिए ही तो धर्म युद्ध हुआ। अब अगर उसके बारे में मैं आपको उस लेक्चर, मतलब क्रूसेड्स में ही समझा देता तो एक डेढ़ घंटे का लेक्चर हो जाता। तो मैंने सोचा कि यरूशलम को पहले समझा दूं, उसके बाद हम क्रूसेड्स पे आएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले इसराइल है ना, जिसके लिए जंग जो है वो आज से नहीं हजारों हजारों सालों से चल रही है, ठीक है। पहले ज्यूज, देखिए ज्यूज एक ऐसी कम्युनिटी है, और हिस्ट्री ऑफ ज्यूज मैंने कवर किया है, देखिएगा, उनको परसिक्यूट किया जा रहा है आज से नहीं, बहुत टाइम से, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ज्यूइश पॉपुलेशन है वो यहां पे आके बसने लगी। अब ये पूरा मैंने कवर किया है, ऑपरेशन इन्फर्नो देख लीजिएगा, यासिर अराफात की बायोग्राफी देख लीजिएगा। तो ये बहुत सारे लेक्चर्स मैंने इसराइल पे, पूरा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज देख लीजिएगा, वो सब मैंने कवर किया है, ठीक है ना। तो यहां पे इसराइल, मतलब जो ज्यूज है वो यहां पे आके बसने लगे,
और उन्होंने पैलेस्तीनियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। और अभी इसराइल ने पूरा, ये पहले पूरा पैलेस्तीन हुआ करता था लेकिन अब इसराइल हो गया है ये, ठीक है। और यहां पे पूरे एरिया को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बैंक पहले जॉर्डन के पास था और इधर का ये जो गाजा है ये इजिप्ट के पास थी, लेकिन अब सब कुछ इसराइल के पास आ गया है, ठीक है। तो इसराइल का इतना पूरा आप देख रहे हैं, और यहां पे है ये यरूशलम, ठीक है ना, और यहां पे आ जाइए बेथलेहम, जीसस ऑफ नजरेथ जहां पे बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए यरूशलम इतना ज्यादा पवित्र है, लेकिन वही है ना कि इसको इंटरनेशनल स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। इसकी जो कैपिटल है वो अभी भी, इसराइल की जो कैपिटल है वो अभी भी तेल अवीवी है, यहां पे यही बोलते हैं, ये रहे ना तेल अवीव, ठीक है। तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसराइल बोलता है कि यरूशलम ही हमारी कैपिटल है, ठीक है। अब सिक्स डे वॉर हुई थी 1967 में, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, जब एक साथ यहाँ पे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट सबको हरा दिया था एक साथ, यासिर अराफात की बायोग्राफी देखिएगा दोस्तों। तो सिक्स डे वॉर में दोस्तों यरूशलम पे एक तरीके से इसराइल का कब्जा हो गया था, है ना, और यहां से फिर एक अलग ही कहानी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद बहुत सारे पीस प्रोसेसेस हुए, लेकिन अब हम देखते हैं कि ज्यूज ने पूरे इसराइल पे ही अपना कब्जा जमा लिया है, ठीक है। तो ये है, लेकिन ज्यूज को दोस्तों प्रोसिक्यूट भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, हजारों हजारों सालों से ये जहां पे गए हैं इनको मारा गया है, जहां पे जाते हैं इनको मारा जाता है, और ये बहुत ही गलत है। ज्यूइश होलोकॉस्ट तो सबसे खतरनाक चैप्टर है, इतिहास का एक काला अध्याय है ज्यूइश होलोकॉस्ट, में मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यरूशलम जो है वो मॉडर्न डे इसराइल में है, और होलीएस्ट सिटी है इब्राहिमिक रिलीजन की, यानी कि तीन इब्राहिमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम की, ठीक है। प्रॉफिट मे द पीस अपॉन हिम, उन्होंने बोल दिया था कि जो इस्लाम है वो तीसरा इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों तो बहुत लिस्ट लंबी है, इस्लाम आखिरी, मोहम्मद जो है वो आखिरी प्रॉफिट है इस्लाम में अगर बात करें। और एक चीज और है कि ये जो इब्राहिमिक रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों में समानताएं हैं, इनके स्क्रिप्चर्स में समानता है, इनके कस्टम्स में समानता है, और साथ ही साथ जो हिब्रू बाइबल और क्रिश्चियन, यहां पे जो होली बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, वो काफी हद तक मेल खाते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्चर्स में भी समानताएं हैं, यहां पे पहनावे में भी समानता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है चीजें सही नहीं है, तीनों के बीच में चीजें बिल्कुल सही नहीं है। भैया ज्यूस को तो बहुत, जो जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ, ज्यूस को तो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, हालांकि उसमें ज्यूस की कोई गलती नहीं है, लेकिन ज्यूस उसमें शामिल हुए जीसस के क्रूसिफिकेशन के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबल। और क्रूसेडर ने, जब क्रूसेडर्स ये पूरा मूवमेंट चला, तो जहां जहां ज्यूस मिले, जहां जहां यहूदी मिले, उनको मारते गए ये लोग, उनको क्रूसीफाई करते गए, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट कौन थे? एडम, फिर आशेत, फिर इद्रिस, फिर नोआ, ठीक है, फिर सैले, लेकिन इब्राहिम जो थे उनका रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अगर हम इब्राहिम की बात करें। तो इब्राहिम इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? उन्होंने अपने बेटे तक को ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस कर दिया था, ठीक है। तो जो यहां पे यरूशलम का जो हिस्ट्री है वो बहुत सालों से, 5,500 साल पहले से है, यहां पे लोग आए, सेटल हुए, और 1000 BC के अराउंड, यानी कि आज से 3,000 साल पहले, किंग डेविड ने यरूशलम को कैप्चर किया और यरूशलम को ज्यूइश किंगडम की कैपिटल बनाया, किंग डेविड, और इनको मुस्लिम में दाऊद बोला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद किंग डेविड के जो बेटे थे सोलोमन, इन्होंने फर्स्ट टेंपल 40 साल बाद फर्स्ट टेंपल बनाया, और इस फर्स्ट टेंपल को फिर बाद में आपको पता है ये डिस्ट्रॉय किया गया, जब बेबीलोनियंस ने जेरूशलम को 586 BC के अराउंड ऑक्यूपाई किया, तब इस पूरे टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यरूशलम को दोस्तों, यरूशलम अगर एक ऐसा शहर है दुनिया का, अगर हम शहरों की बात करें तो एक ऐसा शहर है दुनिया का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि शहर को तोड़ा गया है, बनाया गया है, जीता गया है, फिर तोड़ा गया है, फिर बनाया गया है, फिर जीता गया है, ये बार बार चलता रहा, कई बार ये चीजें हुई हैं, ठीक है। 50 साल बाद दोस्तों जो पर्शियन किंग साइरस थे, उन्होंने ज्यूस को यरूशलम में रिटर्न करने की अनुमति दे दी, क्योंकि दोस्तों जब बेबीलोनियंस ने यरूशलम को ऑक्यूपाई किया तो ज्यूस कम्युनिटी के पे एक तरीके से ये कहर बन के टूटे और उनको एग्जाइल में भेज दिया कि दोबारा यहां से नहीं दिखोगे। तो यरूशलम में जितने भी ज्यूस थे उनको खदेड़ा, भगाया,
लेकिन जब साइरस आए तो उन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं वापस। अब हिस्ट्री ऑफ ज्यूज मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। फिर अलेक्जेंडर ने यरूशलम पे 332 बीसी के अराउंड कब्जा किया। 332 बीसी के अराउंड जब अलेक्जेंडर अपने विजय रथ पे निकला तो उसने सब कुछ जीत लिया था, प्रैक्टिकली भारत तक आ गया था वो। और उसके बाद दोस्तों रोमन्स हो गए, पर्शियंस, अरब्स, फातिमिड्स, सेल्जुक टर्क्स, क्रूसेडर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूसेडर्स, इन सब ने कब्जा किया, यरूशलम पे कब्जा किया, यरूशलम पे कब्जा किया, उसको बनाया, उसको तोड़ा और बहुत लोगों की जाने गई। दोस्तों ये जो प्रोसेस चला ना, ये हजारों सालों तक चलता रहा, बहुत लोगों की जाने गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट दोस्तों, जब जीसस क्राइस्ट को यहां पे क्रूसीफाई किया गया, उनको सूली पे चढ़ाया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां से ही क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, रोमन एम्पायर ने उसको अपना ऑफिशियल रिलीजन बनाया और उसके बाद क्रिश्चियनिटी फैली। पहले जुडाइज्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई और फिर 632 एडी में इस्लाम आया, है ना। और यहां पे बोला जाता है कि जो मोहम्मद थे, जो प्रॉफिट थे, वो यहां से ही जन्नत की ओर गए थे, है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स, किबला, डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स यहां से दी गई थी मुस्लिमों को। इसीलिए हम देखते हैं कि इस्लाम में ये तीसरा पवित्र स्थल है मक्का और मदीना के बाद, ठीक है। तो 1099 से लेकर 1187 ये क्रूसेड पीरियड था, ये 200 सालों तक दोस्तों, बहुत टाइम तक दोस्तों ये धर्म युद्ध चला। तो 200 सालों तक जो धर्म युद्ध था वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में चला। यहां पे ही जीसस क्राइस्ट जो है उनको क्रूसीफाई किया गया, वो यहां से रिजरेक्ट हुए, ठीक है, वापस उठे, वो पुनर्जीवन जो कहते हैं आप। तो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए एक रिलीजियस साइट है। तो क्रिश्चियंस चाहते थे कि इस पूरे शहर को हम अपने कब्जे में ले ले, और 1095 के अराउंड क्रूसेड्स लॉन्च किया जाता है। क्रूसेडर्स जिसमें ज्यादातर शुरुआत में सब पेजेंट्स थे, उनको पता भी नहीं था वो कहां जा रहे हैं, लेकिन यहां पे उनको ये कन्विंस किया गया था कि तुमको इस शहर को ऑक्यूपाई करना है। बहुत लोगों की जाने गई दोस्तों इसमें, बहुत ही खतरनाक इवेंट है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। फिर ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया यरूशलम पे 1516 से 1917 तक, ठीक है ना। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद दोस्तों आपको पता ही है ब्रिटेन ने यरूशलम को, यरूशलम पे अपना कब्जा ले लिया, ठीक है। ब्रिटेन ने हालांकि यहां पे बहुत सारी ट्रीटी साइन की थी, ठीक है, इसमें सिक्स पिकॉट्स एग्रीमेंट भी था। यहां पे बोला तो यही गया था कि इजराइल को हम लौटा देंगे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने ये पैलेस्टीन और यरूशलम पे अपना कब्जा कर लिया था। अब ये सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और फिर 1948 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसराइल यहां पे इंडिपेंडेंट हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने जब पूरा चार्टर निकाला, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, देखिए वर्ल्ड वॉर वन के बाद यहां पे जो ज्यूज थे वो पैलेस्टीनियों से जमीनें खरीद रहे थे, लेकिन धीमे धीमे इसराइल ने, मतलब जो ज्यूज थे उन्होंने इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, ये जमीन पैलेस्टीनियों से छीननी शुरू कर दी, लेनी शुरू कर दी। और 1967 आते आते दोस्तों इसराइल ने बहुत बड़ा चंक जो है वो पैलेस्टीनियों से छीन लिया, ठीक है ना। तो ये 1967 का सिक्स डे वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1967 में दोस्तों सिक्स डे वॉर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, जब इसराइल ने पूरे यरूशलम पे अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन अभी भी यरूशलम में दोस्तों ये अनस्टेबल नहीं है, यहाँ पे लाखों लाखों तीर्थ यात्री जाते हैं और वहां पे जाते हैं, पूजा करते हैं बकायदा, ठीक है, प्रेयर्स करते हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जुडाइज्म में इसका क्या इंपॉर्टेंट। अब जुडाइज्म में तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट टेम्पल यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, किंग सोलोमन ने यहाँ पे फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था, और फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया तो पूरी बकायदा यहाँ पे वॉल बना दी गई, जिसको वेलिंग वॉल बोला जाता है। यहाँ पे आते हैं ज्यूज, आते हैं यहाँ पे, रोते हैं, ठीक है, बकायदा ऐसे दीवार को पकड़ के, ठीक है। तो जुडाइज्म के लिए, ज्यूज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हिब्रू बाइबल है 669 टाइम्स इसका जो है वो जिक्र आया है, ठीक है ना। तो इसीलिए जुडाइज्म तो यहीं से ही निकला, यरूशलम से ही निकला, किंगडम ऑफ ज्यूइश किंगडम जो है वो यहीं पे ही बना था, और उसके बाद यहां पे ज्यूज को खदेड़ा गया है, यहूदियों को खदेड़ा गया है यहां से। तो इनके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, यहां पे ही जो इब्राहिम थे उन्होंने अपने बेटे को लगभग सेक्रीफाइस कर दिया था और परमेश्वर से बात की थी। क्रिश्चियनिटी की बात करें दोस्तों, जीसस ऑफ नजरेथ को यहां पे क्रूसीफाई किया गया था। यहां पे ही जीसस क्राइस्ट ने टीचिंग्स को फैलाया, उन्होंने लोगों को पढ़ाया और बहुत लोगों को यह नागवार गुजरा, ज्यूस को भी नागवार गुजरा,
ठीक है, और इसीलिए जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया। पूरी एडल्ट लाइफ जीसस क्राइस्ट ने यरूशलम ने बिताई है ना, क्रूसीफाई किया गया, और यही से ही वो रिजरेक्ट हुए, दोबारा जीवित हो गए। और उसके बाद फिर वो मतलब जो कहानी है वो आगे बढ़ी, और फिर क्रिश्चियनिटी जो है वो हर जगह फैला, जब ये कहानी जो है सबको बताई, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी वो नहीं मरी ना। टीचिंग्स को, फिलॉसफी को आप कैसे मार सकते हैं? तो लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। तो जो होली सेपुलरी चर्च है वो यहीं पे ही लोकेटेड है, ठीक है, जहां पे जीसस की कब्र जो है वो यहां पे लोकेटेड है। जीसस को क्रूसीफाई किया गया, दफनाया गया, लेकिन वही 3 दिन बाद कब्र में जीसस मिले ही नहीं, रिजरेक्ट हो गए। बाइबल यही कहता है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। उसके बाद इस्लाम की बात करें, इस्लाम में तो दोस्तों क्या है, मैंने बताया कि तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, फर्स्ट किबला, डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स फॉर मुस्लिम्स, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने यहां से दी थी। ये अल अक्सा मस्जिद आपको यहां पे मिलेगा, अल अक्सा मस्जिद जो है यहां पे ही प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत की, यहां से ही जन्नत की यात्रा की थी, ठीक है। और यहां पे मोहम्मद ने लास्ट प्रॉफिट ऑफ जुडाइक क्रिश्चियन रिलीजन अपने आप को डिक्लेयर किया था, ठीक है। और थर्ड इब्राहिमिक रिलीजन जो है, इस्लाम की जो स्थापना है वो हो गई थी, ठीक है। तो जो डोम ऑफ रॉक है, जो कि इस्लाम में बहुत ही सेक्रेट श्राइन है, वो ये यरूशलम में है। जो टेम्पल माउंट, अभी टेम्पल माउंट मैंने आपको बताया था ना, जो टेम्पल माउंट में लोकेटेड है, और यहां से ही बोला जाता है यही डोम ऑफ रॉक, यहां पे ही मोहम्मद ने, प्रॉफिट ने यहां से ही जन्नत की रास्ता तय किया था, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये फिर से देख लीजिए, ये है हमारा अल अक्सा मस्जिद, ये है हमारा डोम ऑफ रॉक, ठीक है, और ये पूरा टेम्पल माउंट है, और ये पूरी वेस्टर्न वेलिंग वॉल है, ये वेस्टर्न या फिर वेलिंग वॉल जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी दोस्तों टेम्पल माउंट के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, 35 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। यहां पे वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मॉस्क है, ठीक है। तो वेस्टर्न वॉल ज्यूज के लिए, डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मॉस्क जो है वो यहां पे इस्लाम के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब उसके बाद ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अब इसमें दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद डोम ऑफ रॉक जो है वो 691 AD में बनाया गया था, ठीक है। ये गोल्ड डूम्ड श्राइन है, डूम्ड बोल दिया, गोल्ड डूम्ड श्राइन है, इस्लामिक श्राइन है, ठीक है। और यहां पे भी दोस्तों, जब ज्यूइश टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था, यहां पे फिर डोम ऑफ रॉक बनाया गया था 691 AD में, ठीक है। 691 AD में बनाया गया था कैलिफ अब्दुल अल अब्द अल मलिक, और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इस्लामिक बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों यहां पे वेस्टर्न वेलिंग वॉल भी आपको मिलेगी, जो ज्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यहां पे जो टेम्पल था, ठीक है, ये साइट है डिस्ट्रॉय टेम्पल की, जो इनके टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी के लिए यहां पे जीसस को यहां पे क्रूसीफाई किया गया था, रिजरेक्टेड जीसस यहां पे हुए थे, और जो ये होली चर्च है, ठीक है, 335 AD में यहीं पे ही बनाया गया था। तो ये कहानी थी यरूशलम की, ये आपको समझ में आ गई, यरूशलम क्यों इंपॉर्टेंट है तीनों धर्मों के लिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आराम से क्रूसेड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो क्रूसेड्स में यरूशलम का बहुत बार जिक्र आएगा, लेकिन यरूशलम का ये वाला लेक्चर आप ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्रूसेड्स वाले लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूसेड्स, क्रूसेडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।